गुड मॉर्निंग एवरीवन, तड़के दे वेले में आपको खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपकी होस्ट रिया जेम्स और मेरे साथ है ज़ाहिद शरीफ। तो जो लोग अभी तक सो रहे हैं, जल्दी से उठें और हमें ज्वाइन करें। तो हम अपनी आज की सुबह का आगाज सुबह की दुआ के साथ करते हैं। सो हम सब अपने अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुद बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नीच से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया। तूने रूह कुदस के फजल से मुझे पाक किया और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शीम है, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं फिर कभी तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊँ। आमीन। खुद बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। तो हमेशा की तरह आज के हमारे शो में भी हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, जो हमें बहुत कुछ बताएंगी, जिनसे हम बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक में। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। उम्मीद है आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। तो जाहिद भाई, हम बुलाएं अपनी आज की गेस्ट को। जी बिल्कुल, बुलाना चाहिए। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान खास नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़ास है। फ़ख्रे आर्चडायसेस ऑफ कराची, फ़ख्रे मसीही कौम, हमारी कौम को परवान चढ़ाने वाली, हम सब की हर दिल अजीज़ा, वकालत के पेशे से उनका ताल्लुक़ है, हाई कोर्ट में वकील हैं, माया नाज वकील तबस्सुम यूसुफ। शो मैडम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने तड़के दे वेले में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज अपनी सुबह का आगाज आपने हमारे साथ किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया, और यहाँ जो खिलखिलाती हुई सुबह है, जो फूलों की जो बहार है, ये बहुत अच्छा है। आपका सेटअप है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी सुबह की जो आगाज़ है वो एक रंगीन आगाज़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, कि आज आप यहाँ पर आए और अपनी सुबह का आगाज़ हमारे साथ किया। अगेन थैंक यू टू यू कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने आप लोगों के साथ आके अपने व्यूज़ और जो एक्सपीरियंसेस हैं जो अपनी कौम के साथ जो वो शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। नाज़रीन, मसीही कौम का फ़ख्र, हमारी कौम की आन, हमारी कौम की शान, दुखियारों की आवाज़, मसीही कौम की आवाज़। तबस्सुम साहिबा से हम सवाल करते हैं कि वो अपने दिन का आगाज, अपने तड़के की वेले का आगाज कैसे करते हैं। सो मैडम, हमें बताएं कि आप अपने तड़के की वेले का आगाज किस तरह करते हैं? मेरा सुबह सवेरे का आगाज जो होता है, वो जो तड़के तड़के वो होता है, सबसे पहले मसीही गीत जो है वो मैं सुनती हूँ, ताकि मेरे सिर्फ माइंड फ्रेश नहीं हो, मेरी रूह जो है वो उसको भी सेटिस्फेक्शन हो, ताकि मेरा जो सारा दिन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई और स्पिरिचुअली और बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रह सके। तो फिर उसके बाद जैसे अपने कोर्ट वगैरह जाना होता है, तब आप डेली जाते हैं? जी जी हाँ जी, सॉरी टू से, डेली रूटीन में ही है, मेरी रूटीन है, क्योंकि मेरे दो बच्चे भी हैं, उनको स्कूल छोड़ना है, फिर उसके बाद जो है अपनी कोर्ट की तैयारी है, फिर कोर्ट जाना और सारी प्रोसीडिंग्स की तैयारी वो रात में करके रखनी होती है, क्योंकि ताकि हम आगे के जो फाइल्स है वो सारी चीज़ें लाइनअप हों। ठीक है, तो ये आपकी डेली रूटीन है? डेली रूटीन, क्योंकि जस्ट मेरा मैटर्स जो हैं वो सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट में लगे होते हैं, और कुछ मेरे अपने ही कम्युनिटी के बच्चे हैं जिनके कुछ केसेस जो हैं वो सेंट्रल जेल में ATC कोर्ट है जो वहाँ पे भी होते हैं, तो इसलिए फिर रश आउट करना होता है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब और किस वक्त सोचा था कि आप इस प्रोफेशन में आएंगे, और क्या आपके दिल में आया, बचपन से आपको शौक था या मैट्रिक के बाद आपने सोचा, तो मतलब क्या आपको इंस्पायर किया? क्योंकि बेसिकली लोग इतना ज़्यादा इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करते,
हमारे जो बड़े हैं वो हमें मना करते हैं कोर्ट में नहीं जाना और ये सारी चीज़ें, लड़कियों को नहीं क्यों रखा जाता है, तो मतलब आपने जब ये स्टेप लिया तो क्या सोच कर लिया? जैसा आपने बोला मैट्रिक के लिए, मैट्रिक से पहले तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, लेकिन जब ब्लड देखने की बात आती थी तो मैं थोड़ी सी हेजिटेट करती थी क्योंकि मुझे वो, फिर मैंने बाद में बोला आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपने अब्बू को बोला कि मुझे जो है वो LLB करना है, और मैंने अब्बू को बोला तो अब्बू ने बोला कि एक्चुअली यहाँ पे एक ही कॉलेज है और वो कॉलेज जो है वो ऐसा नहीं है कि हम बच्चियों को वहाँ भेज सकें, तो इसलिए अब्बू ने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि आप जो है वो उस कॉलेज में नहीं जाओगे, और किसी और शहर तो जाना बहुत मुमकिन ही नहीं है ना, क्योंकि उसी शहर के अंदर एक कॉलेज है जिसमें मुझे जाने की परमिशन नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं अगेन थैंक करूँगी अपने बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन शाहिद, जो वेटिकन में होते हैं, वो फिलॉसफी में उन्होंने PhD किया है और वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। वो उन दिनों में पाकिस्तान में आए हुए थे और उनके साथ फादर JJ एडवर्ड थे, तो उनके कहने पर फिर मेरे वालिद ने बोला कि ठीक है अगर आप दोनों कहते हैं तो मैं इनको परमिशन देता हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स मेरा वकालत में आ जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि जो माहौल और पंजाब साइड पे है वो लड़कियों के लिए और ज़्यादा कंजर्वेटिव है कि उनके लिए इस वकालत के शोबे में जाना आसान नहीं है, क्योंकि उन दिनों में एक सानिया मिर्ज़ा का ड्रामा आया था कि जिसमें वो लड़की, जब वो बच्ची कुछ क्रिमिनल केसेस लड़ती है वो लॉयर, तो उसको अगवा कर लिया जाता है, तो अब्बू ने वो ड्रामा देखा हुआ था, अब्बू ने बोला मगर वो डर गए और आप डटे रहे, आप न डर बनी। हाँ जी, क्योंकि अगर खुदा ने, मेरा ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस है, जब खुदा ने आपसे कुछ करवाना होता है तो आपके लिए रास्ते और वसीले तैयार रखता है, तो मेरे लिए फादर JJ एडवर्ड और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन शाहिद वो वसीला बने कि जिनकी कहने पे मुझे अब्बू ने परमिशन दी कि मैंने LLB करके लॉ की तरफ आना। और आपका जज्बा भी देखा, सिर्फ उनके कहने से नहीं, आपका जज्बा भी देखा, आपकी लगन, आपकी मेहनत, ये भी देखा। वो ऑफ कोर्स वो तो है ही, क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो मैं फिर वकालत में आई थी। तो ये आपको कितने साल का ये प्रोसेस था ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो 3 years का प्रोसेस होता था कि 3 years की आपने LLB की स्टडीज़ करनी है और उसके बाद आप 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जाम्स देते हो, देन आफ्टरवर्ड आपको 6 months किसी भी सीनियर लॉयर के पास एज ए इंटीमेशन जो है आपको जूनियर लॉयर काम करना पड़ता है, उसके बाद आप एक टेस्ट देते हो, फिर आपको एक लाइसेंस दिया जाता है कि नाउ आप जो है आप लॉयर हैं, क्वालिफाइड लॉयर जी। और उसके आफ्टर 2 years के बाद जब आप सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, देन आफ्टरवर्ड आप हाई कोर्ट के लिए जाते हैं कि हाई कोर्ट के लॉयर बनने के लिए। तो शुक्र है खुदावंद का कि मेरा सेशन कोर्ट प्लस मेरा हाई कोर्ट के लाइसेंस दोनों मेरे पास हैं। अभी मेरी उम्मीद है कि जल्दी आप सबकी दुआओं से और अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की सपोर्ट से जल्दी कुछ सालों के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर होंगी। आजकल मैडम आप बहुत मंजर आम पे हैं, आपको लगता है डर भी नहीं लगता, आप एक ऐसे केस में उसकी पैरवी कर रहे हैं, उस केस में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमारी कौम की बेटी आरजू राजा के केस में आप मंजरे आम पर भी हैं और नडर होके अपनी कौम के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, उस बेटी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, इसके हवाले से आप कुछ कहें? जहाँ बात आती है नडर होने की, तो जब हमें बाइबल का रेफरेंस दिया जाता है कि जब खुदा यीशु मसीह को जब सलीब के लिए लेके जाया जा रहा था, जब खुदा यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान हो जाता है, तीसरे दिन जिंदा होता है, तो उसकी खुशखबरी भी जो है वो ख्वातीन लेके आती हैं। तो वो जो रोल मॉडल अकॉर्डिंग टू द बाइबल है वो स्ट्रेंथन करता है हमारी हर फीमेल को। जैसे कि अभी आप अपने शो में ही देख लें कि आपके साथ एक फीमेल हैं, क्योंकि हर एक को अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी समाजी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी रिलीजियस जिम्मेदारी भी निभानी है, अपनी प्रोफेशनल जो है वो एथिक्स के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। तो बीइंग ए लॉयर होते हुए, बीइंग ए मसीही लॉयर होते हुए और फीमेल लॉयर होते हुए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फीमेल्स जो किसी तरह से भी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, किसी तरह से किसी जुल्म व सितम का शिकार हैं, उन बे आवाज़ लोगों की आवाज़ बनना, चर्च के शाना बशाना खड़े होना, चर्च के साथ खड़े होके उन बच्चों के लिए जो किसी भी जुल्म का शिकार है उनके लिए आवाज़ बनना, मेरा
फ़र्ज़ है कि मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी बुलाहट जो है वो मेरी यही है कि मैं उन बे आवाज़ लोगों की आवाज़ बन के उनके लिए कोर्ट में और जिस प्लेटफॉर्म पे भी आवाज़ उठा सकूँ मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। तो इसके अलावा आप किस तरह के केस डील करते हैं? फैमिली, क्रिमिनल, रेंट, प्रॉपर्टी, सिविल, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि एक लॉयर ऐसा नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर्स में ऐसे है कि आपको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए कि सर वाले डॉक्टर को सर के प्रॉपर चीज़ें पता हो, उसको ये नहीं है कि पेट में क्या चल रहा है। लेकिन जो एक लॉयर होता है, जब हम लॉ कर रहे थे तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि एक जो लॉयर है उसको मोची के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका क्लाइंट मोची भी हो सकता है, उसका क्लाइंट डॉक्टर भी हो सकता है, उसका क्लाइंट जो है वो कोई भी किसी भी शोबे से हो सकता है। तो इसलिए हमें सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मसीही कौम में से मेरे लोगों का कोई भी मसला आ सकता है। वो क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, वो फैमिली केसेस भी हो सकते हैं, वो गार्डियन वार्ड जो बच्चों की कस्टडी और मेंटेनेंस के केसेस हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे वो तमाम केसेस करने हैं जो मेरी मसीही कौम के हैं। खुदा ना करे कि किसी को इस तरह के आरजू या हुमा के केसेस जैसे हो रहे हैं वैसे केसेस से निपटना पड़े। लेकिन बीइंग ए क्रिश्चियन फीमेल लॉयर होते हुए मेरा ये कंसर्न है कि वो जो इनिशिएटिव है वो ग्रास रूट तक जाए कि आइंदा आने वाले वक्त में ना कोई हुमा हो ना कोई आरजू हो, कि किसी भी वालदैन की ये आरजू ना हो कि वो अपनी बच्ची को मिले। जैसे आरजू के वालदैन अब जो है कोर्ट के बाहर हर जगह पे वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी बेटी कोर्ट में आए तो वो उसको देखे। हर एक वालदैन अपनी बच्ची के ऊपर अपना प्रॉपर राइट रखे, जिसके लिए हमें खुद बीइंग एज ए चर्च, बीइंग एज ए इंडिविजुअल, ग्रास रूट पे जाके बहुत सारे काम करने होंगे, ताकि हम जो हैं आने वाले जो 10 साल हैं वो इस तरह से डेवलप करें कि हमारी ग्रास रूट पे एजुकेशन जो है वो प्रॉपर जा सके। जब एजुकेशन होगी और प्रॉपर एजुकेशन, देन प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके बाद रिलीजियसली एजुकेशन होगी जो शुरू से हमारे स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती है। उसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इस चीज़ों को इन्हांस करते हैं, मज़ीद इन चीज़ों के ऊपर ग्रास्प रखते हैं, तो देन आफ्टरवर्ड्स मैं नहीं देखती कि आने वाले जो 10 साल हैं, जो आने वाला डेकेड है, उसमें कोई भी आरजू या हुमा के वालदैन ऐसे इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है और वो कोर्ट के बाहर धक्के खा रहे हैं, उनको इंसाफ चाहिए। मैडम, आपकी तवज्जो दोबारा उस तरफ लेके जाऊँगा कि ये बड़ा चैलेंजेस केस, ये केस, इस केस में आप बल्कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये आपके लिए बड़ा टफ केस जो है वो साबित हुआ है। इस केस को मज़ीद थोड़ा सा आवाम के सामने इसको थोड़ा सा बयान करें कि किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह जो है ये बेहतरी की तरफ जाएगा कि 18 साल का जो लॉ है, कि एक कानून बना है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची शादी नहीं कर सकती। कोर्ट और असेंबली ने भी उसे जो है पास किया था कि 18 साल के से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो शादी नहीं कर सकते, बल्कि वोट भी कास्ट नहीं कर सकते। मगर अब ऐसा हो रहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां भी हो रही हैं और जबरी मज़हब भी तब्दील किया जा रहा है। इसके हवाले से प्लीज़ आप कुछ और हमें मज़ीद बताएं। जैसा कि आरजू केस में आ रहा है, आरजू के केस में जो है वो बच्ची जो है, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है मैं उसके घर गई थी और वहाँ पे उन्होंने बताया कि सुबह के टाइम पे जब स्कूल ऑफ था ड्यू टू कोरोना, आप सबको पता है कि एक दिन ऑफ होता है स्कूल, एक दिन जो है वो स्कूल होता है, और उसके बाद जो है वो बच्ची स्कूल नहीं थी, घर पे थी, बराबर दो घर छोड़ के वहाँ पे जो है वो चीज़ लेने के लिए गई है। वो जो है लड़का, जो है वो लड़का तो नहीं मैं कहूँगी, 44 साल जो आदमी है वो उसकी घात में ही था कि कब वो मौका पाए वो उसको उठाए। और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ये है कि जब शादी फोर्स मैरिजेस होती हैं या फोर्स कन्वर्जन होती है, ये आफ्टरवर्ड स्टेप है। पहले वो जब माइनर बच्चियों को उठाते हैं वो उनके साथ रेप करते हैं, रेप करते हैं, और रेप से बचने के लिए आफ्टरवर्ड उसको रंग दिया जाता है कि वो फोर्स मैरिजेस और फोर्स शादियां जो हैं वो बनाई जाती हैं।
और जुल्म सितम की इंतहा ये हो जाती है कि पेरेंट्स को उसकी बच्ची की शक्ल तक नहीं दिखाई जाती। पेरेंट्स को बच्ची से मिलना तो बहुत दूर की बात है, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि बच्ची कहाँ पे है। जैसा आरजू केस में हुआ, पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन है। FIR एक नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कटी थी, देन आफ्टरवर्ड जब उन्होंने देखा कि ये भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे लोगों की आवाज़ पहुंची मीडिया, सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया तक, तो फिर जो है वो उन्होंने जो है वो निकाहनामा पेश कर दिया कि जी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है और बच्ची जो है वो शादी कर चुकी है। जब उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नेशनली और इंटरनेशनली डेवलप हो गया तो उस बच्ची के नाम पे कुछ चंद वीडियो जारी कर दी जाती हैं कि जी मैंने तो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अकॉर्डिंग टू द सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्टेन एक्ट, जिसके सेक्शन 3 और 4 ये कहता है कि जो भी चाइल्ड मैरिजेस करता है, चाइल्ड मैरिजेस की डेफिनेशन ये है 18 से बिलो किसी लड़के या लड़की के साथ कोई भी शादी करता है तो वो चाइल्ड मैरिज होगी। इसमें कोई भी कबाहत नहीं है या कुछ भी इस तरह से कदगर नहीं है कि लड़का या लड़की, किसी भी लड़के के साथ भी अगर शादी 18 साल से कम उम्र में होती है तो वो भी चाइल्ड मैरिज आएगी। वहाँ पे भी सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्टेन एक्ट है जो वो इम्प्लीट होगा। दूसरी चीज़, अगर सिर्फ ये नहीं कहा गया उस कानून में कि सिर्फ जो है वो क्रिश्चियन बच्चियों या हिंदू बच्चियों की शादी के लिए कानून बनाया गया, वो मुस्लिम सबके लिए, सबके लिए है, तमाम सिंध की बच्चियों के लिए है, लेकिन तमाम मज़ाहिब के जितने भी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे सब रिलक्टेंट हो जाते हैं, इवन जुडिशरी, इवन जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलक्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप ये कानून रख लो, ये किताब सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, आप इसको पढ़ो, ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जैसा कि मैंने हुमा के, जैसे कि आरजू से पहले जो हुमा का केस हुआ है उसमें भी सिंध चाइल्ड मैरिज डिस्टेन एक्ट के मुताबिक ही जो है वो उसकी शादी को नल एंड वॉइड करार दिया गया। उसके बाद कहा गया कि इन सबको जो है वो गिरफ्तार करके लाया जाए। कानून की ग्रास्प जब हम लोग आम पब्लिक, क्लर्जी, लॉयर्स, पब्लिक एट लार्ज जब खड़ी होती है तो वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले मेरा हक क्या है, कानून मुझे हक क्या देता है, वो मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ हमारे ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर और राइट इंफॉर्मेशन हमारे लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं दोबारा इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा रखा है ताकि हमारे लोगों पर मुख्तलिफ तरीके से हर इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो जो है आइंदा आने वाले इन वाकयात से और इन हादसात से बच सके। मैडम, आपसे यही सवाल करने वाली थी कि बेसिकली हमें अपने राइट्स पता ही नहीं होते, जब हमें पता ही नहीं होंगे तो हम उसके लिए फाइट कहाँ से करेंगे? क्योंकि हम लोगों को पता भी इसलिए नहीं होते क्योंकि हम इसे ज़रूरी नहीं समझते कि मेरा क्या राइट है, मेरे पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, मैं उन्हें किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। तो जब हमें खुद नहीं पता होंगे तो हम उसके लिए किस तरह से फ़ाइट करेंगे, ये जो है वो हम लोगों के इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा गाइड करें, लॉज हम किस तरह से जो है वो पता कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि ये राइट मेरे पास है, ये गलत है, ये सही है, यहाँ मैं बोल सकती हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी 1973 का जो आइन है, कानून पाकिस्तान है, जैसे हम हमारे लिए होली बुक्स है, बाइबल है, तो जो कानून की होली बुक है वो 1973 का आइन है। वो तमाम राइट्स जो हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। उसके लिए पहले हमें खुद जागना होगा कि मुझे इंफॉर्मेशन क्या है, पाकिस्तान का जो आइन है वो मुझे क्या राइट देता है। देखें, आजकल पहले तो था कि किताबें पढ़ना, अब हर एक के पास मोबाइल्स हैं। गूगल पे जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स लिखेंगे, आपके पास सारे ठक 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 करके सब खुल जाएंगे कि ये आपके राइट्स हैं, जो 1973 का आइन है जो आपको राइट देता है। तो उसकी राइट इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ पैरिशेस में जाके, मुख्तलिफ चर्चेस में जाके, मैंने तो ये स्टार्ट किया हुआ है एज ए वॉलंटियर के जो है मेरी आम आवाम, स्पेशली हमारी फीमेल्स,
जो हमारी माएँ हैं उनको राइट इन्फॉर्मेशन हो कि अगर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। विरासत का कानून हमें क्या राइट देता है क्रिश्चियनिटी में, जो फैमिली राइट है उसमें मुझे कानून क्या तहफ़ुज़ देता है, उसके साथ साथ जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है जो अब अरूज पे आ चुका है उसके लिए मुख्तलिफ सेशंस करा रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी माँ को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी माँ से मुराद यहाँ पे मेरी कौम की माँ जो है उसको वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन अपनी नस्ल में हमारी बेटी में वो कैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आज की माँ बेशक वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये लैकिंग है हमारे में, लेकिन उस लैकिंग को हम इस तरह से दूर करें कि मुख्तलिफ चर्चेज़ में मुख्तलिफ पैरिशेज में एज ए वॉलंटियर हम जाके सर्विसेज करें कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है और अपने राइट्स के बारे में जो है अब मेरा कानून के मुताबिक क्या हक है वो मैं उनको प्रॉपर दूँ। बिल्कुल, ये तहरीक चलानी पड़ेगी ताकि सब लोग जागे, बेदार हों और अपने हकूक के लिए खड़े हों और लड़ें। क्योंकि देखें एक पंजाबी की मिसाल है कि माँ भी बच्चे को उन्नी देर तक दूध नहीं पिलाती जिन्नी देर तक जो बच्चा रोंदा नहीं। तो पाकिस्तान की धरती, जो पाकिस्तान की कौम है, वो अगर अपनी माँ को रोके, जो मसीही बच्चे हैं वो रोके अपनी माँ, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे अदारे हैं, हमारी जुडिशरी है, उनको बताएंगे नहीं कि हमारी ग्रीवेंस ये है, तो उनकी तवज्जो कहाँ पर होगी। पहले तो हम ही खुद कहते हैं कि जिसको प्रॉपरली एक पंजाबी का वर्ड कहते हैं ठप दो, उसको हम ठप देते हैं कि नहीं, खानदान की इज्जत की बात है, ये इस तरह से सिचुएशन है। फिर हम चक्कर लगाने से बहुत डरते हैं, मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपने लॉस पता है पर हम उसके लिए फाइट क्यों नहीं करते। टाइम लग जाएगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोई सुनेगा नहीं, इन चीज़ों पर आकर हम अपने राइट्स के लिए भी नहीं लड़ते। तो मतलब इन चीज़ों को हम लोग जो है वो हाईलाइट कर देते हैं और हम लोग इसलिए चुप करके बैठ जाते हैं कि छोड़ो, टाइम वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो रहने ही दें इस बात को, ना ही किया जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो आप सही कह रहे हो कि लोग कोर्ट कचहरी से आने से डरते हैं, वहाँ के माहौल से डरते हैं, लेकिन जब आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पेशियाँ भी भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एक क्राइम हो जाता है उसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं उसके लिए हल के लिए कोई आवाज़ उठाई जाएगी? असम्बलियों में बैठे हुए या सेनेट में बैठे हुए हमारे लोग हमारे लिए आवाज़ उठा सकते हैं जब हम खुद अपनी आवाज़ किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा सकते? तो मैडम ये तो हो गई सारी बातें प्रोफेशनली, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके दो बच्चे हैं तो मतलब जब आप कोर्ट में जाते होंगे तो लोग तो आपसे डरते होंगे ना, आपके बच्चे आपसे डरते हैं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे जो है वो घर में बैठे हुए खुद कोर्ट कचहरी लगा के बैठे होते हैं। एक जो है वो जज बन जाता है और एक जो है वो पहले एप्लीकेंट का वकील भी होता है, फिर दूसरी साइड से जो है वो दूसरी साइड का भी वकील बन जाता है और वो प्रॉपर बैठ के वो जो कोर्ट उन्होंने प्रोसीजर लगाया होता है। और एक दिन तो एक सबसे मज़े का सीन ये था, तो मैंने बोला चलो मैं पीछे से सुन रही हूँ, जजमेंट पास हो रही थी, दोनों जजमेंट पास कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है जजमेंट तो पास हो गया, मुझे ये बताएं आपने उसको चोर साबित कर दिया लेकिन चोरी क्या हुआ है? मम्मा इसने ना एक कंघी चुराई थी। कंघी चुराई है? मैंने बोला आपने साबित कैसे किया? अभी आप मुझे ये बताओ उसने साबित कैसे किया, किस एविडेंस पे आपने उसको देखा, कौन सा विटनेस आपने चलाया जो है वो आपने उसको चोर साबित कर दिया? अच्छा, फिर अब आप हमें गाइड करें कि हमने जजमेंट कैसे लिखनी है। तो ये चीज़ है, जब आपका प्रोफेशन घर पे भी डिस्कस हो रहा होता है तो बच्चों की ग्रूमिंग भी होती है प्लस उनको एक इनिशिएटिव भी मिलता है। जैसे मैं अभी कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल की फील्ड से हैं, तो वो भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। मम्मा एक डैडा जो हैं वो डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, लेकिन मैंने जो है ना मम्मा मैंने लॉयर एडवोकेट नहीं बनना। मैंने कहा आपने क्या बनना है? मम्मा मैंने तो जो है ना माय लॉर्ड बनना है, डायरेक्टली मुझे जज बनना है, मुझे जो है ना क्योंकि वो मेरे साथ, उनको बहुत शौक़ था, तो एक दो दिन जो है वो मेरे साथ कुछ प्रोसीडिंग्स में गए, देखा कि किस तरह से नोटिसेस कराए जाते हैं, कैसे इशू होते हैं। तो बाद में वो एग्जॉस्ट होकर कहते हैं नहीं मम्मा हमें बार रूम में बिठा दिया जाए क्योंकि अब इसके बाद हम में चलने की कैपेसिटी नहीं रही है। ओके, तो उन्होंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया। तो वो
एक चीज़ है कि वहाँ पे थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोजर जब देते हैं आप बच्चे को, तो उनकी ग्रूमिंग के साथ साथ ब्रेन की जो है डेवलपमेंट, प्लस जो है उनको एक्सपोजर के साथ जो उनकी कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, वो शायद हमारे बचपन में नहीं थी। अब जो है हमें कुछ मोबाइल की ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें नहीं पता होती, आजकल के बच्चों का एक्सपोजर ऐसा है। लेकिन यहाँ पे मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही खेलते हैं, सारे गैजेट्स उनके डिजिटल हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस नेसेसरी है। मैं जैसे अब आपको बताती हूँ कि मैं जब सुबह कोर्ट में चली जाती हूँ, जब उनके वालिद की जिम्मेदारी होती है कि वो फिर उनको स्कूल से लेते हैं, फिर उनका खाना, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे वो उनको हैंडल कर रहे होते हैं, कभी कभी तो मैं सारा सारा दिन बाहर होती हूँ। तो कंप्लेंट्स ये नहीं है कि मुझे नहीं होती कि मम्मा आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने हमें हमारे साथ बैठो, मुझे क्यों नहीं, वो मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल्स के, कहा जाता है ना कि मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे ना एक मर्द ताकतवर जो होता है उसका हाथ होता है कि वो उसको सपोर्ट करता है कि जाओ आप जो करना चाहते हैं वो करो। तो मेरा ये मैसेज होगा था हमारे तमाम बहनों के लिए और तमाम भाइयों के लिए भी कि वो चाहे फीमेल जो है वो बीवी के रूप में है, चाहे फीमेल माँ के रूप में है, चाहे बेटी के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, बीइंग ए भाई, बाप, हस्बैंड, फ्रेंड होते हुए हमें अपनी फीमेल्स को एक्सपोजर देना है, राइट टू चॉइस चूज करने का उनको हक देना है। जब आप घर में ही उनको हक नहीं देंगे तो वो आफ्टरवर्ड्स नहीं होगा। यानी शिकवे नहीं करते रहना, तो आज रोटी नहीं पकाई, सालन नहीं पकाया, ऐ नहीं कीता, वो नहीं कीता। बहरहाल यहाँ सालन रोटी की बात आती है, मैं यहाँ पे मैं बताती हूँ कि किसी टाइम पे मैं नहीं बना पाती। मैं जैसे सारा सारा दिन, कुछ मर्डर केसेस थे हमारा, जैसे कि शालिम 2017 में हमारा क्रिश्चियन बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था, सेंट एंथनी पैरिश से था वो लड़का, तो उस केसेस में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं नहीं कर पाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो खुद फिर घर में कुकिंग सीखी, खुद ब खुद बनाते थे, आज आ जाओ मैंने कढ़ाई बनाई है, आज मैंने कढ़ाई कीमा बनाया है, आज मैं वो फ्राई आलू, मैं आप लोगों को भी इनविटेशन दूंगी कि आप लोग भी आएँ, क्योंकि वो ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं। क्योंकि अब जहाँ पे मैं पहले बेकिंग और कुकिंग और पिज़्ज़ा में बड़ी एक्सपर्ट थी, तो अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा आपसे ज्यादा अच्छा खाना जो है वो डैडा बनाते हैं। मैंने कहा थैंक यू, इससे अच्छी चीज होगी कि वो आपके गैर मौजूदगी में मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बट गई है। ये फायदा हुआ। आप उसमें कभी-कभी बताते हैं नमक कम है या मिर्ची नहीं है या इस तरह से कमेंट्स पास करते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो कमेंट्स पास करने की इजाज़त नीचे वाले तबके से नहीं होती। मेरे बच्चे से वो मुझे कहते हैं मम्मा आपसे ज़्यादा अच्छा खाना जो है ना, वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट हैं, वो ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहते हैं कि ये सही बना के नहीं करा। जूलियन, जैसे कि मैडम ने बताया कि मैडम के घर पे भी कोर्ट कचहरी लगी होती है, जब कभी कोई केस है कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, मैडम के घर ही चले जाएंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम, मेरे पास एडवोकेट भी हैं घर पे छोटे वाले और जज साहब भी हैं वो घर पे, वो दोनों खुद कोर्ट गवाह भी मिल जाएंगे, वो खुद ही पेश कर लेते हैं। तो मैडम आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, जब कभी बोर हो जाते हैं ये सब प्रोफेशन से, इतना सब कुछ एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, किस तरह से उसको स्पेंड करते हैं? फैमिली टाइम जो है वो, क्वालिटी टाइम जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। बच्चों के साथ बैठ के उनके कार्टून्स, उनके साथ बैठ के फिर उनकी स्टोरी सुनना। और क्यों? क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो आरजू और हुमा जैसे केसेस जो हैं वो होते रहेंगे। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके साथ लूडोस खेलना, कैरम खेलना, उनके साथ जो है वो म्यूज़िक सुनना, और उनके साथ ही हम मुख्तलिफ मूवीज़, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आउटिंग पे भी जाते हैं, साथ साथ मूवीज़ देखना। अभी ड्यू टू कोविड जो है वो हम सिनेमा तो नहीं जा रहे, फिर हम घर पे ही जो है वो मूवीज़ और क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। अच्छा मैडम, एक बार फिर मैं वही केस के बारे में अब डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तहरीक चलाई,
आज डायसेस ऑफ कराची के साथ, एनसीजेपी के साथ, हमारी क्लर्जी, हमारे बिशप, हमारे फादर्स आपके साथ साथ रहे, बल्कि अवाम भी आपके साथ साथ रही। एक केस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा दोबारा फैसलाबाद का नाखुशगवार वाक़या भी हमारे सामने ही है, तो इसके हवाले से भी कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम, यही मैं कहूँगी, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी रियासत यानी जो हमारी माँ है मुल्क पाकिस्तान, वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। जब तक हम मिलके हम आवाज़ होकर एक आवाज़ उठाएंगे, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो होने बंद होंगे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि यहाँ आरजू जो है वो 13 ईयर्स की है। जो फैसलाबाद में वाक़या होता है वो फरा शाहीन का है, वो 12 साल की है। जो आरजू से पहले केस होता है वो 14 साल की बची है, हुमा यूनस 13, 14, 15, 12, ये टारगेटेड हैं, ये मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में आप इन्हीं में देख लें, जैसे कि जो कारी है वो एक ही है जो सबके निकाह पढ़वा देता है, और ये निकाह जो है सिर्फ 2 से 2500 रुपये दे के निकाह पढ़ाया जाता है और सनद जो है वो हासिल कर ली जाती है। ड्रॉबैक यही है कि हमें मिलकर अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे, जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप को पेश कर रही हूँ इस हवाले से, तो इस मुआशरे में आजकल देखें कि लोग जो है वो बड़े मायूस हो रहे हैं कि पता नहीं उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस हवाले से आप कौम को थोड़ा हौसला दें और उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर इस हवाले से दें। मेरा पैगाम तो सिर्फ यही है कि मायूसी जो है वो गुनाह है, मायूस हमें नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। वो जो है मौत के बाद भी ज़िंदा हो जाता है, वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। तो हम मसीही कौम जो फ़िलहाल तो लगती है कि पस मुर्दा हो चुकी है, हमारे अंदर जो रूह है उसको जो है हमें उजागर करना होगा और ग्रास रूट तक जाके हमें इस तरह से अपने डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट पैरिशेज में, डिफरेंट कॉलोनीज में जाके सेशंस, अवेयरनेस सेशंस करवाने चाहिए फीमेल्स के लिए। क्योंकि अगर हम फीमेल्स को और मेल्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे, पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस सेशन नहीं करेंगे, तो इस तरह के नाखुशगवार वाकया होते रहेंगे। पहले अपनी फीमेल्स को अवेयर करें, उनको राइट दें। राइट किस चीज़ का? उम्मीद है चूज करने का। जो लोग हमें देख, छोटी छोटी चीज़ों में, सुना है, जैसे मेरी एक बेटी है और बेटा है, दोनों को इक्वल राइट है। वो अपनी मर्जी की चीज़ें चूज करते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े चूज करते हैं, छोटे छोटे टॉयज भी जो उन्होंने लेने हैं वो अपनी मर्जी की चूज करते हैं। हम अपने फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करते, हम राय जरूर देते हैं, उन पर फैसला अपना मुसल्लत नहीं करते। अगर कोई चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है तो उनको बता दिया जाता है कि ये चीज़ का नुकसान इस तरह से है, तो वो चीज़ इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं उनको मारना शुरू कर दूं, मैं उनको पीटना शुरू कर दूं या उन पर चीखना चलाना शुरू कर दूं, मैं उनको प्यार से समझा सकती हूँ। तो यही चीज़ जो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मेरी तमाम मसीही कौम के जो बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, तो मेरा मैसेज तो उनके लिए भी है कि खुदारा उनको घर से ही फ्रीडम दीजिए, इंस्टेड ऑफ प्यार दीजिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो प्यार बाहर से, वो अट्रैक्शन बाहर से ग्रास्प करें, आप उनको वो प्यार, मोहब्बत, हक जो है वो आप घर से दें, ताकि वो बाहर से की जो प्यार मोहब्बत और जो है वो उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर हम बीइंग ए पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ एक घर में, मेरा हर सेशन में जब मैं जाती हूँ तो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है तमाम फीमेल से, क्या दिन में एक टाइम पे सब मिलके खाना खाते हैं? ज्यादातर जवाब आता है नहीं, वो इधर होता है, मैं इधर होती हूँ, कोई नेट यूज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, गाने सुन रहा है। तो फैमिली में रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सबसे ज्यादा नेसेसरी करें दुआ को। जब आप फैमिली प्रेयर में बैठेंगे, फैमिली मिलके इकट्ठा खाना खाएगी,
तो वो दोनों आपस में पेरेंट्स भी बैठेंगे, वो जो नाचाकियाँ हो के हम कोर्ट के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, वो घर की तरफ से जब प्यार मोहब्बत मिल रहा होगा तो वो कोर्ट का प्रोसीजर ही नहीं होगा। जब कोर्ट का प्रोसीजर नहीं होगा तो वो बच्चों को भी जब दिखेगा कि माँ भी मेरे साथ बैठी है, बाप भी मेरे साथ बैठा है, शफकत से प्यार से बैठे हुए हैं, हम फैमिली में बैठ के फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड को भी नज़र आ रहा होगा कि मैं जो है कहीं आगे पीछे नहीं जाऊँ। और उस बीवी को भी पता होगा कि मैंने किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो सबसे चीज़ ये है कि फैमिली प्रेयर को नेसेसरी करें अपनी लाइफ में। फैमिली में एक टाइम का खाना जो है, चाहे रात का खाना, सब लाजिम कर लें कि मिल के खाएंगे, फैमिली प्रेयर करेंगे और साथ में मिल के बैठेंगे। हमने वो इकदार जो है वो अपनी जो है वो मसीह इकदार जो है वो उनको गंवा दिया है। खुदारा अपनी मसीह इकदार को वापस लाएँ कि मिल के जो है वो मिल के खाएँ, मेल मिलाप करें। क्योंकि अगर हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, फैमिली के अंदर गेट टुगेदर नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं पूरा मजमा बाहर से बुला लूं, मेरी फैमिली में दो बंदे हैं, अगर मैंने हंसी खुशी जो है वो दाल चटनी भी बनाई है तो मैं हंसी खुशी बैठ के मिल के खाऊं। अगर मैं वो प्यार घर पे बैठ के शेयर, बच्चे मुझे देख रहे होंगे, वो अपने वालिद को देख रहे होंगे, तो वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होती है कि वो एग्जाम्पल के जहाँ पे प्यार मुकम्मल उनको दिखता है, फैमिली में एक फैमिली पूरी दिखती है, तो वो बाहर जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो फैमिली प्रेयर, फैमिली में एक टाइम का खाना जो है वो लाजिम करें। क्योंकि मैं जैसे मैं कहूँगी, जैसे कि मैं बीइंग एज ए एडवोकेट, मैं बहुत टाइम होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कुछ बना सकूं, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मुझे, जिनकी मैं इस प्लेटफॉर्म से दोबारा शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स माय कम्युनिटी, टूवर्ड माय चर्च, मैं इतना अच्छी तरह से ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे सकती थी। तो हमें हर एक को प्रॉपरली समझना होगा कि हमने अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को प्रॉपर जो है वो राइट। थैंक यू सो मच मैडम कि आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की। उम्मीद है जाहिद भाई, जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा शो सुना है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस और हमारे शो पे आने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि लोग जो है वो गलत प्लेटफॉर्म पे जाने के बजाय जो है वो सही राइट पाथ अपने लिए चूज कर सके और कम से कम जो है वो नुकसान हम उठाएं। थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे प्यारे सेट पे बुलाया और आप दोनों की स्माइल जो है वो सुबह सुबह जो है वो दिन बना देती है कि अब अगला दिन जो है वो सारा खुशगवार गुजरेगा। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आज का शो आप लोगों ने जो देखा आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह देखते रहिए तड़के दे वेले हमारे साथ, सीखते रहिए और अपनी सुबह अच्छे बनाते रहिए। ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।